गुड मॉर्निंग प्रिंसेस, कब उठोगे? अभी कितने देर में? लास्ट एक घंटे से उठा रही हो तुमको, उठ जाओ। आज का प्लान पता है ना? नहीं पता? मारूंगी एक थप्पड़, सब याद आ जाएगा। उठो जल्दी जल्दी, आज ढेर सारा काम है, रेडी होना है, निकलना है आफ्टर लंच। उठो। ए स्लीपिंग ब्यूटी, वीडियो मत करो। तो उठ जाओ फिर, नहीं तो मैं वीडियो ऑन ही रखूंगी ऐसे। उठो उठो उठो। और यहाँ पे पापा आज बना रहे हैं बंगाली ब्रेकफास्ट। तो देखिए, प्रेशर कुकर में होल नाइट सोक्ड मटर को थोड़ा सा आलू और मटन कीमा के साथ पापा ने यहाँ पे सीटी लगा लिया है। एक्चुअली कल रात को हमारे घर पे मटन बना था, तो थोड़ा सा रॉ मटन पापा ने फ्रिज में रख दिया था, और अभी इसको कीमा करके आलू और मटर के साथ एक साथ प्रेशर कुकर में सीटी लगा लिया है। इसकी बनेगी एक सब्जी, इसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं मांगशेर घूगनी, यानी मटर की सब्जी मटन कीमा के साथ। ये बहुत ही एक बंगाली ऑथेंटिक पॉपुलर डिश है, आप बोल सकते हो। यहाँ पे पापा ने एक मसाला रेडी कर लिया है, इसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं भाजा मसाला। इसमें जीरा और सूखी लाल मिर्च और भी कुछ कुछ चीज़ें रहता है जो कि मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो ये तो जाएगा घूगनी में, यानी मटर की सब्जी में। साथ में आज हम लोग खाने वाले हैं कॉइन परोटा। परोटा यानी पराठा, यहाँ पे लोग परोटा बोलते हैं। तो कॉइन परोटा मीन्स जो छोटा साइज का लच्छा पराठा होता है, साइज में छोटा है इसलिए इसका नाम है पराठा। अदरवाइज ये जो मलाबार लच्छा पराठा होता है ना, वो सेम ही है। तो मटन चिकन के लिए जो हम लोग ग्रेवी प्रिपेयर करते हैं, पापा ने भी वैसे ही ग्रेवी प्रिपेयर करे हैं, और उसमें डाल दिया है बॉयल किया हुआ मटर और मटन कीमा। अभी थोड़ा सा भाजा मसाला इसके ऊपर स्प्रिंकल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और कुछ देर के लिए रेस्ट के लिए इसको छोड़ देना है। तो ये बनके तैयार हो जाएगा। तो चलिए, जब तक ये बनके तैयार हो रहा है, पापा बना रहे हैं ये वाला, तो मैं फटाफट से पराठा बना लेती हूँ। ये पराठा तो बहुत ही इजी टू कुक है, आप लोगों को तो पता ही है, क्योंकि ये 50% ऑलरेडी कुक किया हुआ ही पैकेट में बिकता है। तो बस तवा में थोड़ा सा ऑयल डाल के और पराठा को इसके ऊपर डाल के थोड़ा सा इधर उधर करने से ही ये एकदम बनके तैयार हो जाता है। बहुत ही शॉर्टकट है और खाने में भी अच्छा लगता है। मैंने बिग बास्केट से एक पुई का साग ऑर्डर की थी, काफ़ी दिन पहले मैं आप लोगों को दिखाई थी ना, इसी गमले में ही मैं इसको प्लांट की थी। और पुई का पत्ता देखिए काफ़ी बड़ा भी अभी हो गया था, तो मैं वेट ही कर रही थी कि जब पापा आएंगे उस टाइम पे मैं पापा को बोलूँगी बनाने के लिए। देखिए यहाँ तक पूरा चला गया है, इतना बड़ा सा इसका ब्रंच आया है, और एक भी साइड से था देखिए यहाँ से। तो ये वाला पापा ने जस्ट अभी अभी काट लिया है। कितने बड़े बड़े पत्ते आए हैं गाइस, देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। और साथ में पुई साग का फल भी आया है, इसको हम लोग बोलते हैं पुई मुचरी या तो फिर पुई मिठुली, कुछ भी बोल सकते हो। तो ये भी अच्छा लगता है खाने में। एक एक पत्ता देखिए यार कितना बड़ा है। तो पापा ने एक ब्रंच काट लिया है, आज दोपहर को सब्जी बनेगा। और यहाँ पे आज एक थोका जवा भी आई है, रेड कलर का बड़ा सा, सी ये पूजा करने के टाइम पर उठाना है। हेलो एवरीवन, आज का मॉर्निंग मैं गुड विश करूँ या बैड विश करूँ आई रियली डोंट नो, क्योंकि आज सुबह से काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है हमारे अपार्टमेंट में, साथ में हमारे घर में, जिस वजह से मुझे कुछ भी नहीं पता कि क्या बोलना चाहिए। की वाला रहे ओ अच्छा हलो तू पड़े गली नहीं। तो बात यही है कि सुबह से आज हमारे पूरे बिल्डिंग में पानी नहीं है। वाटर टैंक तो आया था और वो पंप के द्वारा ऊपर टंकी में फुल भी कर दिए थे, लेकिन पाइप में कुछ ब्लॉकेज आ गया जिस वजह से पूरे अपार्टमेंट में पानी नहीं है। मेड आज लेट आई है काम करने के लिए, और बर्तन इतना सारा था उसका काम करने में आज काफ़ी टाइम लग गया। अभी अभी जस्ट बर्तन वगैरह करके किचन साफ करके वो चली गई है। मीनवाइल मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ बना लिया, वो तो आप लोगों ने देख ही लिया है। ऊपर कुछ चल रहा है कारपेंटर का काम, लगातार आवाज़ हो रही है। आज का सुबह बहुत ही ज़्यादा मेसी है। आज ब्रेकफास्ट चाय नाश्ता सब कुछ हमारा बहुत लेट हो गया है, अभी लगभग दोपहर के 12 बज रहा है। तो अभी सौरभ ऑलरेडी चला गया है नीचे, मैं भी अभी जा रही हूँ क्योंकि हमें कुछ काम है। मैं, बहन और सौरभ, हम तीनों मिलकर थोड़ा बाहर जा रहे हैं कुछ ही टाइम के लिए, घर के आसपास ही जाएंगे। पापा ने यहाँ पे कटिंग चॉपिंग कर ली है सब्जी, मतलब लंच की तैयारी, यहाँ पे कटिंग चॉपिंग हो गया है। पापा ने बोला कि आज मैं लंच बना लूँगा, तुम जाओ अपना काम ख़त्म करके आओ। तो अभी इसीलिए मैं निकल रही हूँ, और
ज्योत्सना का एक कटोरी था हमारे घर पे काफ़ी दिन से, तो जो हम लोग आज मांगसूर घूगनी बनाए हैं तो वो थोड़ा ज्योत्सना को मैं देने के लिए जा रही हूँ। मतलब उसके लिए मैं काफ़ी देर पहले ही पैक करके रखी थी, इससे करेंट एखन आसे नहीं, उसके लिए मैंने सुबह से ही पैक करके रखी थी, लेकिन हमारे ही खुद ब्रेकफास्ट करने में इतना टाइम लग गया तो मैंने सोचा क्यों ना हमारा ब्रेकफास्ट ख़त्म हो जाए उसके बाद ही उसको दे के आऊँगी। तो अभी जाऊँगी नीचे उनको ब्रेकफास्ट देने के लिए, और फिर सौरभ नीचे गाड़ी में वेट कर रहा है। लेकिन बात यह है कि सुबह से आज हमारे बिल्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, जिस वजह से लिफ्ट भी नहीं चल रहा है, तो देखते हैं चलिए कितना ही वेट करूँ, सीढ़ी से ही धीरे धीरे चले जाते हैं। बाबा बंद कर दो। फर्स्ट काम जो था गाड़ी में पेट्रोल डालना वो हो गया है, और अभी यहाँ पे चल रहा है प्रेशर डालना, क्योंकि गाड़ी में प्रेशर भी थोड़ा कम था। इसके बाद हम लोग जाएंगे मेन काम के लिए, जो कि है हमें जाना है एक शॉप जहाँ पे वो पिलो मैट्रेस वगैरह ये सब कुछ बनवाते हैं ना, वहाँ पे जाना है मेरे बहन के हॉस्टल के लिए। वैसे तो वो लोग मैट्रेस देंगे, लेकिन एक छोटा सा मतलब पतला सा एक मैट्रेस हमारी तरफ से भी हम लोग खरीदेंगे, क्योंकि उनका जो मैट्रेस है ना वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। जिस दिन हम लोग गए थे हॉस्टल विजिट के लिए मैं और सौरभ, उस दिन हम लोग देखे थे मैट्रेस बहुत ही ज़्यादा वहाँ का हार्ड है, तो उसमें ना वो सो नहीं पाएगी क्योंकि उसको थोड़ा सा सॉफ्ट मैट्रेस में सोने का आदत है। तो मैंने बोला ठीक है चलो एक सॉफ्ट वाला तुमको बनवा के देंगे, और साथ में पिलो वगैरह तो चाहिए, पिलो तो हॉस्टल से प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो वही है हमारा मेन काम, तो बीच में ये एयर डालना और पेट्रोल भी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि आज हम लोग थोड़ा घूमने जाने हैं पोस्ट लंच। और हम लोग कहाँ पर जाने वाले हैं पता है? चलिए वो बाद में ही बताऊँगी, क्या है ना वो बाद में बताऊँगी। तो इसलिए सौरभ एकदम फुल प्रिपरेशन करके ही निकल रहा है घर से, ताकि हमारे रास्ते में और कुछ प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े। नहीं बुनू तोरा हमारे मैचिंग हो गया चले टॉपटा, है ना हम दोनों का मैचिंग हो गया है, सौरभ इज़ द ऑड वन आउट। तो अभी सौरभ बात नहीं करेगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा डांट पड़ गया है, हमारा हो गया है झगड़ा। किस चीज़ के ऊपर झगड़ा हुआ है वो मैं डिस्क्लोज नहीं कर रही हूँ, वो थोड़ा पर्सनल है। लेकिन गाड़ी में चढ़ते ही जो खतरनाक बम ब्लास्ट हुआ ना वो मैं क्या ही बोलूँ। एनीवेज चलिए लेट्स गिव हिम सम स्पेस। ठीक हो कथा बोलो ना, चुप करो चलो। ठीक है चलिए काम खत्म कर लेते हैं, फिर लंच वंच सब कुछ खत्म करके रेडी होकर जब निकलेंगे ना उस टाइम पे फिर मैं दोबारा आप लोगों से मिलूंगी। हाँ अभी थोड़ा भाई साहब का गुस्सा ठंडा कर लेती हूँ। एक दो कथा बोलवा ना, एकदम ना, कब तक बात नहीं करोगे पता नहीं, चलो बंद करो। मिल गया, पसंद आया ये वाला? हाँ ऐसा ही चाहिए था क्या? हाँ ऐसा ही मिलेगा, ठीक है और एक साइज बड़ा नहीं मिलेगा। ठीक है चलो, सौरभ वेट कर रहा है यहाँ पे गाड़ी लेके, यहाँ पे ना गाड़ी रखने के लिए जगह भी नहीं है। कहाँ गया? सो घर हम लोग आ गए हैं और यहाँ पे लंच भी हमारा रेडी हो गया है। आज का लंच मेन्यू दिखा देती हूँ, चावल तो है ही, उसके साथ पापा ने यहाँ पे बनाए हैं एक मिक्स वेज। ये जो पुई का पत्ता जो हमारे पौधे से पापा ने काटे थे ना उसी का ही यहाँ पे बहुत सारे वेजिटेबल्स डाल के एक सब्ज़ी बनाए हैं। और ये है मटन, कल रात को एक्चुअली मटन बना था तो थोड़ा सा मटन रह गया था, अभी मैंने इसको गर्म कर लिया है तो हो जाएगा थोड़ा थोड़ा करके सबका। और ये रहा आलू पोस्तो, ये आज का फ्रेश बनाया हुआ है। और यहाँ पे अभी बन रहा है दाल, दाल भी बस बॉयल आ ही गया है इसमें, यह अभी निकाल लेना है। यह है मिक्स दाल, चने का दाल, मसूर, मूंग, अरहर, बहुत सारे दाल एक साथ मिला के यहाँ पे पापा ने ये वाला दाल बनाए हैं। तो और तो कुछ नहीं है ना, सैलड सैलड लेके चले गए, ठीक है बस इतना ही सब कुछ। एक्चुअली मैं लास्ट दो दिन से व्लॉग नहीं बनाई थी, मेरा तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं था और मैं कुछ काम वगैरह में बिज़ी भी थी, तो इसलिए ये मटन कल रात को बनाई थी, खाने में बहुत टेस्टी बनी थी लेकिन ये मैं शूट नहीं कर पाई। क्या मटन का रिव्यू थोड़ा सा दे दोगे? बहुत बढ़िया। चलिए अभी लंच कर लेते हैं, टाइम हो रही है दोपहर के 2। सो गाइज अभी टाइम हो रही है शाम के 4:15, हम लोग निकलने वाले थे 3 बजे, लेकिन जैसे मैंने आप लोगों को बताया सुबह से आज थोड़ा सब कुछ गड़बड़ हो गया था, फिर खाना पीना खा के थोड़ी देर के लिए रेस्ट ले रहे थे, उसके बाद अभी हम लोग रेडी हो रहे हैं। मैं तो रेडी हो गई हूँ, यहाँ पे पापा भी रेडी होकर एकदम खड़े हैं हीरो बन के, बस हीरोइन की कमी है। सौरभ भाई साहब भी यहाँ पे रेडी, और यहाँ पे देखिए मोहतरमा अभी तक रेडी नहीं हो पाई, वो अभी पैर में सनस्क्रीन लगा रही है, मेकअप उसका कंप्लीट हो गया है देख सकते हो, इतना सब कुछ थोपी है उसने, देखिए देखा तो मेकअप तक तो यू आर लुकिंग गुड। और अभी हम लोग निकलने वाले हैं
तो चलिए 45 मिनट्स लेट तो हो ही गए हैं, पानी का बॉटल वॉटल एकदम भर के यहाँ पे रेडी कर लिया है, चलते हैं। कहाँ पे जा रहे हैं अभी तक मैंने बताया नहीं है ना, सो अभी मैं बता देती हूँ। अभी हम लोग जा रहे हैं आदियोगी चिकबल्लापुर घूमने के लिए। लास्ट टाइम जब मम्मी आई थी तो मम्मी को लेकर हम लोग गए थे ना, तो उस टाइम पे पापा और बहन तो यहाँ पे नहीं थे, तो उन लोगों का घूमना नहीं हुआ था। और अभी जैसे दोस्त लोगों के मुँह से सुनने के लिए आया है कि अभी वो जगह और भी ज़्यादा डेवलप हो गया है। उस टाइम पर तो जैसे बहुत ऑफ रोडिंग था, रास्ता एकदम ख़राब था, टूटा फूटा सा, कोई वहाँ पर टॉयलेट शॉप्स वगैरह कुछ भी नहीं थे। अभी धीरे धीरे सब कुछ वहाँ पर बन रहे हैं, तो सोचा कि क्यों ना अभी उन लोगों को थोड़ा सा घुमा के लेके आते हैं। वैसे बहन तो अभी रहने वाली है अगले कुछ साल बैंगलोर में होपफुली, तो वो तो बाद में घूम सकती है, लेकिन पापा को लेके एक बार जा रहे हैं क्योंकि पापा भी तो रिटायरमेंट के बाद और कभी इधर उधर वैसे घूमने जाना हुआ नहीं है। चलो रेडी, चलिए चलते हैं, निकलते हैं, सब लोग रेडी हो गए हैं और एक सरप्राइज़ है, ठीक है, वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगी। चलिए बिना लेट किए अभी फटाक से निकल जाते हैं, फिर सरप्राइज़ क्या है वो डिस्क्लोज़ करूँगी। बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। मैंने सिंपल सा लॉन्ग स्कर्ट और टॉप ही पहन ली है क्योंकि वहाँ पे गर्मी भी है ना, दोपहर के टाइम पे धूप भी होगा। ये रहा पानी का बॉटल, 2 लीटर, 1-1 लीटर। लेट्स गो। चिकबल्लापुर 2 घंटे से भी ज़्यादा टाइम लगता है, 1 घंटा ऑलरेडी हो गया है। और यहाँ पे अभी हम लोग रुके हैं एक ढाबे पे, अलंकार ढाबा करके नाम है, ढाबा प्लस रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे थोड़ा सा शाम का चाय नाश्ता हम लोग करेंगे और यहीं पे वेट कर रहे हैं हम लोग किसी के लिए। जो सरप्राइज़ था ना, मैं बोल रही थी आप लोगों को कि सरप्राइज़ देना है, वो है अभिषेक भैया और कमली भी आ रहे हैं। एक्चुअली पहले कुछ प्लान नहीं था, हम लोग घर से निकलने वाले थे, उसके आधा घंटा पहले वो लोग फ़ोन करके बोल रहे हैं कि हम लोग आ रहे हैं तुम्हारे घर पे। तो मैंने बोला हम लोग तो आदि होगी जा रहे हैं, तो बोला ठीक है चलो फिर हम लोग भी चलते हैं। तो वो लोग इलेक्ट्रॉनिक सिटी से आ रहे हैं ना, तो उन लोगों का रूट अलग है, हमारा रूट अलग है। तो अभी ये है हमारा मीटिंग पॉइंट, यहाँ पर हम लोग मीट करने वाले हैं पापा और बहन, पहली बार मिलेंगे उन लोगों से। अरे वो लोग आ गए, उन लोगों का गाड़ी दिख गया। ठीक है चलिए मिलाते हैं उन लोगों से। ये क्या है, फर्स्ट मीटिंग का गिफ्ट, मुंह मीठा करने के लिए और मुंह तीखा करने के लिए। अभिषेक भैया और तमली देखिए इतने सारे स्नैक्स वगैरह सब कुछ बहन को दिए हैं एज ए गिफ्ट। ठीक है चलिए हमारा चाय पीना हो गया है और अभी फिर से रवाना देते हैं आदियोगी के लिए। वो लोग जाएंगे अपने गाड़ी में, हम लोग जाएंगे अपने गाड़ी में, फिर वहाँ पे जाके हमारा दोबारा मीट होगा। जाए चामर को ना असुविधा नहीं। साथ काफ़ी लेट हो गया है, लास्ट टाइम जब मम्मी के साथ आई थी ढेर सारा फोटोज़ वगैरह लेना हुआ था, इस बार फोटो लेना नहीं हुआ। वैसे सनसेट तो हो गया है लेकिन अभी भी लाइट है, सनलाइट है, तो हम लोग एंट्रेंस में ही उतर गए, मैं और मेरी बहन। सौरभ और पापा गए हैं गाड़ी पार्क करने के लिए, वो लोग पार्क करके फिर यहाँ पे आएंगे। अभिषेक भैया और कमली वो लोग दूसरे पार्किंग में गाड़ी रखे हैं, तो अभी उन लोगों के लिए ही वेट कर रहे हैं, वो लोग आ जाएंगे तो फिर एक साथ हम लोग जाएंगे अंदर। और 7 बजे से स्टार्ट होगा लाइट शो, वो देखना मस्ट है, उसके लिए ही बेसिकली इतना दूर ट्रैवल करके हम लोग आए हैं।
देवी पार्वती सीन ऑडियो बुक रेवलिंग इन एक्सटैटिक स्टेट्स सेड आई वांट टू हैव व्हाट यू हैव शो मी द वे सो आदियोगी देख के हम लोग दोबारा बैंगलोर रिटर्न हो गए हैं और अभी हम लोग आ गए हैं हमारा वही जान पहचान पुराना सा शेरी पंजाब पंजाबी ढाबा और यहाँ पे आज डिनर करेंगे फिर जाएंगे घर। तो यहाँ पे हमारा मेन कोर्स सॉरी स्टार्टर ऑलरेडी आ गया है, हम लोगों ने ऑर्डर किया है चिकन कबाब जो कि यहाँ का सिग्नेचर डिश है और साथ में ऑब्वियसली ठंडी ठंडी लस्सी, इसके बिना तो ढाबे में आना अधूरा रह जाता है। यहाँ पे आके अगर लस्सी नहीं पिए तो यहाँ पे आना ही बेकार है। और मेन कोर्स भी ऑर्डर कर दिया है, फिलहाल पहले कबाब ठंडा होने से पहले ही खा लेते हैं, मेन कोर्स जब आएगा उस टाइम पे मैं आप लोगों को दोबारा दिखाऊंगी। और ये अभी आ गया है हमारा मेन कोर्स जो कि ऑलरेडी ख़त्म होने को है, इतना ज़्यादा भूख लगा था ना मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गई। मेन कोर्स में हम लोगों ने ऑर्डर किए हैं गार्लिक नान मेरे लिए, सौरभ के लिए और बहन के लिए, साथ में स्पाइसी वाला ढाबा चिकन, और पापा ने ऑर्डर किए हैं तंदूरी नान और साथ में दाल फ्राई। कैमन लग लो बनो, बहन तो पहली बार आई है, पापा इससे पहले भी एक बार आए थे। हेलो आर की चुलाक पे ना पापा, और कुछ नहीं चाहिए, सबका पेट भर गया रात भी एक्चुअली काफ़ी हो गई है ना तो सबको भूख भी लगी थी काफ़ी तेज़ की। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं घर और अभी टाइम हो रही है रात के ऑलमोस्ट 12:30, बहुत ज़्यादा टायर्ड है। कैसे एंजॉय किए सब लोग थोड़ा बता दो। मस्त बहुत बढ़िया, पूरा एक डे आउट हो गया आज हमारा, काफ़ी अच्छा लग रहा है लेकिन अभी टायर्ड भी फील हो रही है। सौरभ को देखो 150 किलोमीटर गाड़ी चला गया, 225 किलोमीटर गाड़ी चला के उसका हालत तो खराब हो गया है। अभी बोल रहे हैं कि रात को बैठ के तुम लोग मेरा पैर दबा देना, तो ठीक है कोई बात नहीं दबा दूंगी बहन बोल रही है गला दबा दूंगी। अभिषेक भैया और तोमाली भी हम लोगों के साथ रेस्टोरेंट जाने वाले थे डिनर करने के लिए, लेकिन फिर प्लान में थोड़ा सा चेंज आ गया था जिस वजह से वो लोग आदियोगी से निकल के हम लोग एक वहाँ पे एक ढाबा था जहाँ पे हम लोग रुके थे दोबारा चाय पीने के लिए, वहाँ पे हम लोग एक साथ चाय वाय पी के फिर वो लोग अपने निकल गए घर के लिए और फिर हम लोग चले गए थे ढाबा के लिए, फिर डिनर विनर करके अभी हम लोग घर आ रहे हैं। तो चलिए आज इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, कल सुबह सुबह और एक फ्रेश नए ब्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हो जाएंगे। टिल देन डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। Bye bye, good night.